हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह राजावत और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास सेवंथ एकलव्य बैच का लेक्चर नंबर 4। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने शुरू के तीनों लेक्चर्स को नहीं देखा है तो पहले उन लेक्चर्स को जाके देख लीजिए, उसके बाद में इस लेक्चर को देखना स्टार्ट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कौन सा टॉपिक हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है कंपेयरिंग फ्रैक्शंस, यानी फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर किया जाता है। कंपेयर करने का मतलब है कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर देन होगा, कौन सा इक्वल होगा, कौन सा लेस देन होगा। आई होप आप लोग इनका मीनिंग जानते होंगे। जिस साइड ओपन वाला पार्ट होता है, ओपन साइड होती है, इस वाले साइड वाला पार्ट क्या होता है, ग्रेटर होता है। और जिस साइड एक जैसे क्लोज साइड है, इस साइड वाला पार्ट क्या होता है, स्मॉलर होता है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि भाई ओपन मतलब हमारे को इस चैप्टर में एक्चुअल में पढ़ना क्या है। तो हमारे को इस चैप्टर में क्या करना है, फ्रैक्शंस को कंपेयर करना सीखना है। फ्रैक्शंस क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डिफरेंट टाइप के फ्रैक्शंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम अलग अलग टाइप के फ्रैक्शंस को कंपेयर करने का तरीका सीखेंगे। यहाँ पे हम दो मेजर तरीके सीखने वाले हैं। एक तरीका होगा जो शॉर्टकट मेथड होगा, अगर आप लोगों को केवल आंसर ही निकालना है तो आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हो। अगर आप लोगों को प्रॉपर तरीके से करना है तो हम प्रॉपर तरीके का भी एक मेथड यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, शॉर्टकट मेथड में क्या करना होता है हमारे को, जैसे मान लो कि हमारे पास दो फ्रैक्शन है, एक ए बाई बी एक सी बाई डी। ए बाई बी और सी बाई डी में क्या है, ए कुछ भी हो सकता है, बी कुछ भी हो सकता है, सी और डी कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव का कोई भी नंबर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे 3/5, 2/7, तो यहाँ पे ए की जगह पे कितना है, 3 है, बी की जगह पे 5 है, सी की जगह पे 2 है और डी की जगह पे 7 है। तो ऐसे हमारे पास दो फ्रैक्शंस दिए हुए, टू गिवन फ्रैक्शंस, ये क्या है हमारे पास, गिवन फ्रैक्शंस है। तो हमें क्या करना है, इनको कंपेयर करना है। कंपेयर करने का मतलब है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है बताना। तो जैसे मैं वो बोल रहा हूँ कि ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है और ये वाला फ्रैक्शन छोटा है, अब ये कैसे पता चला मुझे, उसको ध्यान से समझना। तो हम यहाँ पे जो मेथड फॉलो करते हैं उस मेथड को बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, जैसे समझो, जैसे 3/4 एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, 5/6 एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस का मतलब है इसके न्यूमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर से और इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमिनेटर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले किसको करेंगे, इसको, पहले इस वाले पार्ट को करेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, इसको। तो देखो, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी चीज को क्या बोला जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोला जाता है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैंने क्या बोला कि ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है, ये वाला फ्रैक्शन छोटा है। ये तभी पॉसिबल होगा जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बड़ा हो, यानी ए मल्टीप्लाई डी, ए डी बोल सकते हैं, बीच में मल्टीप्लाई है, आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पे ए और डी लिखा हुआ है, इसका मतलब है ए मल्टीप्लाई डी। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, या आप चाहो तो साइड में लिख सकते हो इनको, फिर मैं यहां से मिटा दूंगा। तो देखो, अगर a और d का मल्टीप्लाई ग्रेटर है किससे, b और c के मल्टीप्लाई से, तो हम बोलेंगे कि ये वाला जो फ्रैक्शन है ये बड़ा होगा, ये वाला फ्रैक्शन छोटा होगा। आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो देखो, इसको देखो, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, 18, इन दोनों का मल्टीप्लाई आ रहा है 20। तो किस साइड वाले का मल्टीप्लाई बड़ा आ रहा है, इस साइड वाले का मल्टीप्लाई बड़ा आ रहा है, मतलब ये वाला फ्रैक्शन यहाँ क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो आई होप आप लोगों को ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो यहाँ यही करना है, देखो एक एग्जांपल देखते हैं। तो हमें क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है क्रॉस, और इसको इससे पहले इसको लिखना है, ध्यान रखना, ये स्टार बना लो कि पहले इधर वाले को लिखना है। 3/7 = 21, 5/2 = 10, 21 क्या होता है, बड़ा होता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो फ्रैक्शन है हमारा, ये क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, इससे। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। तो कभी भी दो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं तो हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। पहले इसको इधर की तरफ वाले को लिखना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई पहले लिखना है लेफ्ट हैंड साइड में, और इन दोनों का मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड में लिखना है। जो जिस साइड वाला मल्टीप्लीकेशन बड़ा होगा वो वाला हमारा फ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखो, अगर ये वाला फ्रैक्शन बड़ा आ रहा है तो ये कब बड़ा होगा, कि जब इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई से ग्रेटर हो जाए।
मतलब कि ए मल्टीप्लाई बी डी ये स्मॉलर हो किससे, बी मल्टीप्लाई सी से, मतलब जिस साइड वाला पार्ट का मल्टीप्लाई करने पर बड़ा आ रहा होगा वो वाला फ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जैसे इस एग्जांपल से समझे, 2/3 और 4/5, तो हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इधर लिख देते हैं, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इधर लिख देते हैं। 12 क्या है, ग्रेटर है किससे, इससे, तो हम बोलेंगे कि जिस साइड वाला पार्ट ग्रेटर आ रहा है वो वाला फ्रैक्शन भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे ये वाला फ्रैक्शन क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, यानी कि बड़ा हो गया। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इक्वल कब होगा, कि जब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन दोनों इक्वल आ जाए, तो हम बोल देंगे कि ये वाला फ्रैक्शन और ये वाला फ्रैक्शन दोनों क्या है, इक्वल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 30 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो भी क्या आएगा, 30 आएगा। देखो मैं पूरा लिख देता हूँ, 3 10 और इसको 5 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो इसका भी 30 आ रहा है, इसका भी 30 आ रहा है, दोनों आपस में इक्वल है। तो हम बोलेंगे कि ये दोनों के दोनों जो फ्रैक्शंस हैं ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। आई होप आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे इसके ऊपर हम दो क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, इस मेथड से, शॉर्टकट मेथड से, या फिर हम बोल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। तो देखो इसको हम करके देखते हैं। तो सिंपल क्या करेंगे, 3/5, 5/8, और यहाँ पे जो भी काम कर रहे हो ना उसको लिखोगे, यहाँ लिखोगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या होगा, पहले इसको मल्टीप्लाई करना, ये दिमाग में बिठा दो, पहले इसको नहीं करना, पहले इसको करना। यहाँ 24 आएगा, यहाँ मैं प्रॉपर लिख देता हूँ, 8/3 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर यहाँ पे 5/5 से करना है, इधर 24 आ रहा है, इधर 25 क्या होता है, 24 से ग्रेटर होता है, तो किस साइड वाला पार्ट ग्रेटर हो रहा है ये। तो हम बोल सकते हैं किसको, कि 3/5 क्या है, लेस देन है किससे, 5/8 से। आई होप ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन ये ना है, तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले 24 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 16 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 9 4 36, केडी कितना आएगा, 3 आएगा, 9 2 18 और 2 21। ऐसे ही अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, तो देखो 13 को 6 से करेंगे तो 78 आएगा, केडी कितना आएगा, 7 आएगा, 13 को 1 से करेंगे 13 आएगा, 13 में 78 करेंगे तो 208। तो अब यहाँ पे ग्रेटर कौन सा है, 216, 216 वाला पार्ट ग्रेटर है, तो बोल देंगे कि ये वाला जो फ्रैक्शन होगा ये क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो हम बोल सकते हैं 9/16 ग्रेटर देन 13/24। आई होप आप लोगों को ये दोनों एग्जांपल अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ये अच्छे से आप लोग नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। हम पहले आगे के सेकंड मेथड को देख लेते हैं जो प्रॉपर मेथड है, ठीक है। तो क्या है, देखो इस मेथड को पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि भाई इसको कैसे और कैसे सोल्व कर सकते हैं, उसके बाद में हम देखते हैं कि इसका क्या रूल बन जाता है, उस रूल को लिख लेंगे कि भाई ऐसा होगा तो ऐसा करना पड़ेगा, और उसके बाद में हम इसके 2-3 एक टाइप और होगा जो नेक्स्ट लाइन में हम देखेंगे। तो पहले देखो, व्हेन डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, डिनोमिनेटर्स इक्वल हो, तो अगर आप लोगों को याद हो कि जब डिनोमिनेटर्स इक्वल होते हैं तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। तो लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे करें, तो इसको देखो एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूं। यहां ध्यान से नोटिस करना, देखो यहां 20 है अपॉन 5, यहां 10/5, यहां 5/5, ये मैंने 3 नंबर्स बनाए हैं, ठीक है, सिंपल समझाने के लिए 3 फ्रैक्शंस बना दिए हैं आप लोगों के लिए, और तीनों फ्रैक्शंस क्या है, लाइक फ्रैक्शंस है। क्यों, क्यों, क्योंकि तीनों के डिनोमिनेटर्स कितने हैं, सेम है, यानी कि 5। अब देखो इसको थोड़ा सा सोल्व भी कर सकते हैं हम लोग, 5 से अगर 20 को डिवाइड करें तो 4 टाइम डिवाइड होगा, ये 2 टाइम डिवाइड होगा, ये 1 टाइम डिवाइड होगा, मतलब इसका एक्चुअल में रिजल्ट कितना आएगा, 4, इसका आएगा 2, इसका 1। तो यहां देखो 4 ग्रेटर है 2 से और 2 ग्रेटर है 1 से, ये चीज आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब यहां ये चीज समझने के बाद में हम नोटिस कर पा रहे होंगे, देखो कि जब भी डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है, तो जिसका न्यूमिनेटर बड़ा है, जिसका न्यूमिनेटर बड़ा है उसका रिजल्ट भी बड़ा आ रहा है। तो देखो इसका न्यूमिनेटर 20 है तो इसका रिजल्ट 4 आया, इसका इससे कम है तो उसका रिजल्ट भी कम आया, फिर इसका न्यूमिनेटर 5 है जो इन दोनों से कम है तो उसका रिजल्ट और भी कम आ रहा है।
तो हम यहां से ये चीज कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर फ्रैक्शंस के अंदर क्या हो, डिनोमिनेटर्स इक्वल हो, तो जिसका न्यूमिनेटर ग्रेटर होगा वो वाला फ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी चीज को मैं लिख भी देता हूं, तो लिखने के लिए मैं बोल देता हूं यहां पे कि भाई जिसका, भाई यहां पे हमारे को पता है डिनोमिनेटर्स तो क्या है, इक्वल है, हमें केवल न्यूमिनेटर को देखना है क्योंकि डिनोमिनेटर्स तो सबके बराबर है। तो जिसका न्यूमिनेटर ग्रेटर होगा, ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन या वह फ्रैक्शन भी ग्रेटर होगा। ये मैं केवल समझाने के पर्पज से लिख रहा हूं, आप लोग इसी लैंग्वेज में लिख लेना, हिंदी इंग्लिश मिक्स में आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ये जरूरी है। वह फ्रैक्शन भी ग्रेटर होगा। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। अब जैसे देखो 21/13 दिया हुआ है और एक 17/13 दिया हुआ है, तो हमें बताना है कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। तो देखो दोनों के डिनोमिनेटर्स 13 सेम है, तो जिसका न्यूमिनेटर क्या होगा, ग्रेटर होगा, वो फ्रैक्शन भी ग्रेटर हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं इसका न्यूमिनेटर यहाँ पे 21 ग्रेटर है किससे, 17 से। तो हम बोल सकते हैं 21/13 भी ग्रेटर होगा किससे, 17/13 से। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी, इसे भी आप अच्छे से नोट कर लेना समझकर। अब अगला देखो कि अब जिस जस्ट इसका ऑपोजिट केस हो, यहाँ तो डिनोमिनेटर्स इक्वल थे, यहाँ न्यूमिनेटर्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो क्या करेंगे। तो इसको भी एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो जैसे न्यूमिनेटर्स इक्वल है, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल मान लेता हूँ 20 है, डिनोमिनेटर्स को मैं बदलूंगा। तो देखो यहाँ 1 से डिवाइड किया 2 से, यहाँ पे मतलब ये 20/1 है, 20/2 है, या 20/4 है, या 20/5 है, या 20/10 है, और यहाँ 20/20 है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबके क्या है, डिनोमिनेटर्स अलग अलग है लेकिन न्यूमिनेटर्स क्या है, इक्वल दिख रहे होंगे। आई होप आप लोगों को एग्जाम्पल मैंने जो लिखा है इसका मीनिंग एक्चुअल में समझ में आ गया होगा कि हम क्या करना चाहते हैं, कि न्यूमिनेटर्स इक्वल है तो कंपेयर करना चाहते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि भाई कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, ये कैसे बनाए। जैसे यहाँ पे हमने रूल बना लिया कि जिसका न्यूमिनेटर ग्रेटर, अगर डिनोमिनेटर्स इक्वल है तो वो वाला फ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो देखो यहाँ देखो इसका रिजल्ट जब 1 से डिवाइड करेंगे 20 को तो क्या निकल के आएगा, 20। यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम होगा, 4 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम होगा, 5 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम होगा, 10 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम होगा 20 को, और 20 को 20 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम होगा। तो यहां देखो ये वाले रिजल्ट्स क्या हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, सबसे बड़ा 20 होगा, फिर 10, फिर 5, 4, 2, 1। अब आप अगर अच्छे से चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि यहां क्या हो रहा है। देखो डिनोमिनेटर्स की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो जो उसका रिजल्ट आ रहा है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जब डिनोमिनेटर सबसे छोटा था यानी 1 था, तो उसका जो रिजल्ट आया वो कितना आया, 20, जो सबसे बड़ा निकल के आ रहा है। फिर डिनोमिनेटर की वैल्यू को हमने बढ़ाया तो रिजल्ट यानी कि जो आंसर इसका वैल्यू है वो छोटी निकल के आ रही है। तो मतलब यहाँ उल्टा हो रहा है, यानी कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो वाला फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं कि जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा या स्मॉलर होगा, ऐसे लिख लो, स्मॉलर होगा वह फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। आई होप आप लोगों को इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो हम एक एग्जांपल भी कर लेते हैं, जैसे कि 13/7 है, 13/9 दिया हुआ है, तो भाई अब इनमें से हमें बताना है कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। तो अभी अभी हमने देखा कि जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, स्मॉलर है, छोटा है, तो यहाँ पे देखो 7 क्या है, छोटा है किससे, 9 से। तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो वाला फ्रैक्शन क्या होगा, ग्रेटर निकल के आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि 13/7 क्या है, ग्रेटर है किससे, 13/9 से। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट राइट में हम ये देखने वाले हैं कि जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट हो तो हम उनको कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो इसको आप अच्छे से वीडियो को पॉज कर नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं कि जब किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर और दो फ्रैक्शंस का न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही क्या हो, डिफरेंट हो, तो
तो उस वाले केस में हम उनको कंपेयर कैसे करेंगे? तो देखिए, इसके लिए हमारे को जो रूल फॉलो करना है वो रूल ये है भाई, अगर हम लोग क्या करें, कैसे भी करके, किसी भी मेथड को फॉलो करके या जो भी हमने अभी तक सीखा है उसकी हेल्प से हम दोनों के डिनोमिनेटर्स को बराबर बना लेते हैं, और जब डिनोमिनेटर्स बराबर बन जाएंगे तो अभी हमने जो यहाँ पे दो रूल्स पढ़े थे उसमें जो पहला वाला रूल था वो यही तो था कि जब डिनोमिनेटर्स इक्वल हो जाते हैं तो हम केवल क्या करेंगे, न्यूमेरेटर्स को कंपेयर करेंगे, और न्यूमेरेटर्स को कंपेयर करके जिसका न्यूमेरेटर ग्रेटर होगा वो वाला फ्रैक्शन ग्रेटर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। तो हमारा यहाँ पे मेजर फोकस यही है कि दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, न्यूमेरेटर भी डिफरेंट है, लेकिन डिनोमिनेटर्स पे फोकस करेंगे हम कि डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाने की कोशिश करते हैं। दोनों इक्वल बन गए तो फिर न्यूमिनेटर को चेक कर लेंगे, और न्यूमिनेटर जिसका ग्रेटर वो वाला फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो यहाँ पे दो स्टेप्स होंगे, पहले स्टेप में क्या करना है हमारे को, न्यूमिनेटर्स को डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाना है, लेकिन किसके इक्वल बनाना है? तो हम एक काम करते हैं कि फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। सबसे पहला काम क्या कर लो, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लो। अब एलसीएम क्यों ले रहे हैं, तो भाई हम कुछ भी बना सकते हैं, नीचे वाले डिनोमिनेटर को किसी के भी इक्वल बना सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे एलसीएम जो आएगा ना दोनों का, उस एलसीएम के इक्वल दोनों के डिनोमिनेटर्स को बना देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल भी सोल्व करवाता जाता हूँ, 3/5, 4/7, तो यहाँ क्या है, इसको थोड़ा सा और मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, 15 ले लेता हूँ, तो 5 और 15। अब यहाँ पे दोनों का मुझे क्या करना है, सेम बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले स्टेप में एलसीएम ऑफ 5, 15, जब आप लोग इनका एलसीएम लोगे तो कितना निकल के आएगा, 15, क्योंकि 15 वही सबसे छोटा नंबर है जिसमें 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 15 से भी डिवाइड हो रहा है, इससे छोटा कोई भी नंबर नहीं होगा, तो यही सबसे छोटा नंबर है। तो हमने एलसीएम निकाल लिया। फिर सेकेंड स्टेप में क्या करना है, कन्वर्ट बोथ फ्रैक्शंस इंटू लाइक फ्रैक्शंस, दोनों को लाइक बनाना। अब लाइक बनाने का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, दोनों के डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना, लाइक फ्रैक्शंस हैविंग डिनोमिनेटर हैविंग एलसीएम एज डिनोमिनेटर। इसका मतलब क्या है, मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं। मैं पहले स्टेप में हमें एलसीएम लेना है किसका, डिनोमिनेटर्स का। उसके बाद में हमें क्या करना है, दोनों फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना, मतलब दोनों के डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाना है, जिसमें क्या हो, एलसीएम एज डिनोमिनेटर, जो भी एलसीएम आया ना वो क्या हो, बन जाए डिनोमिनेटर बन जाए। जैसे यहां देखो, तो यहां पे ये क्या है, एलसीएम कितना है, 15। अभी हमें दोनों को लाइक बनाना है, लाइक बनाने का मतलब है दोनों के डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है। अब किसके इक्वल करना है, ये चीज समझना है। तो हमने बोला है कि किसके इक्वल करना है, एलसीएम के इक्वल करना है। तो कैसे करें, तो इसके लिए हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था, उसका नाम था इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। उसमें क्या होता था, अगर हम न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, एक नया फ्रैक्शन मिलेगा, वो नया फ्रैक्शन पहले वाले फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट ही होगा। तो देखिए, तो मुझे एक काम कर, इसको भी 15 बनाना है, तो ये तो ऑलरेडी पहले ही 15 बना हुआ है, तो हम इसको 15 कैसे बना सकते हैं, तो वो समझो। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दे और नीचे भी क्या कर दे, 3 से मल्टीप्लाई कर दे, तो कोई इसके इस फ्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक नया फ्रैक्शन बन जाएगा, वो इसके ही क्या होगा, इक्वल होगा। तो 3×3=9 हो गया, और नीचे कितना हो गया, 15। और आप चाहो तो इसको भी क्या कर लो, वैसे तो 15 ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन प्रॉपर तरीके से लिखना हो तो क्या कर लो, 1 से मल्टीप्लाई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4/15। तो अब ये दोनों के दोनों क्या बन चुके हैं, लाइक फ्रैक्शंस बन चुके हैं, जिनका डिनोमिनेटर्स क्या है, इक्वल है। और जब डिनोमिनेटर इक्वल हो जाता है तो हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर्स को कंपेयर करते हैं। तो स्टेप 3 में क्या करेंगे, हम यहां लिख देता हूं मैं, कंपेयर न्यूमिनेटर्स। तो न्यूमिनेटर्स को कंपेयर करना है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब डिनोमिनेटर्स इक्वल होते हैं तो जिसका न्यूमिनेटर ग्रेटर होगा वो वाला फ्रैक्शन भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो यहां देखो, 9/15 में 9 ग्रेटर है 4 से, तो हम बोल सकते हैं 9/15 क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, 4/15 से। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। इसके साथ ही हम ये भी बोल सकते हैं, ओरिजिनल फॉर्म में लिखना हो तो ओरिजिनल फॉर्म में क्या था,
थ्री अपॉइंट फाइव था, नाइन अपॉइंट फिफ्टीन एक्चुअल में कितना था, थ्री अपॉइंट फाइव, तो थ्री अपॉइंट फाइव क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, फोर अपॉइंट फिफ्टीन से। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, ये आ गया। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करने वाले हैं, हमारा एक टॉपिक और है। अभी तक हमने क्या किया, दो दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करना सीखा। अब हम क्या करने वाले हैं, दो से ज्यादा फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे करें। एक्चुअल में दो से ज्यादा फ्रैक्शंस को कंपेयर करने का मतलब है कि उन फ्रैक्शंस को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, यानी कि स्मॉलेस्ट से ग्रेटर, मतलब स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट या फिर ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट वाले ऑर्डर में अरेंज करना। तो उसको हम कैसे करेंगे, तो वो यहां देखते हैं। तो देखो मेथड ऑफ कंपेयरिंग, टॉपिक का नाम है मेथड ऑफ कंपेयरिंग मोर देन टू फ्रैक्शन। तो दो से ज्यादा फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर किया जाता है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज किया जाता है। तो देखो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, और जो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। आई होप आप लोगों को ये चीज पता होगी पहले से, आप लोगों ने कभी ना कभी पहले पढ़ा हुआ होगा बचपन में, थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में कभी ना कभी आया हुआ होगा आपके। अब ये तो चलो ठीक है, लेकिन हमारे को करना कैसे है। भाई हमने टॉपिक का मीनिंग समझ लिया कि हमारे को जो भी तीन चार फ्रैक्शन जितने भी दिए हुए होंगे उनको क्या करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। लेकिन करेंगे कैसे, तो उसके लिए जो प्रोसीजर फॉलो करना है वो सिमिलर ऐसा ही प्रोसीजर है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस। जो भी फ्रैक्शंस गिवन है उनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लो। यहां भी हमने क्या किया था, एलसीएम लिया था। उसके बाद में क्या करो, यहां पे हमने क्या किया था, सभी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स को लाइक बनाया था और सबका डिनोमिनेटर किसके बराबर बना दिया था, एलसीएम के बराबर। यहां भी यही काम करना है, कन्वर्ट ऑल द गिवन फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस ईच हैविंग एलसीएम एज डिनोमिनेटर। मतलब हमारे को इन सभी फ्रैक्शंस को लाइक बनाना है और सभी फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए, एलसीएम के बराबर होना चाहिए। आई होप आप लोगों को ये दोनों का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब यहां मैंने एक एग्जांपल लिखा है, मैं आप लोगों के लिए लिख देखो यहां मैंने कैसा लिखा है, अरेंज द फ्रैक्शंस 2 अपॉन 5, 3 अपॉन 10, 9 अपॉन 14, 16 अपॉन 35 इज इन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब कि असेंडिंग का क्या मतलब हो गया, हमारे को स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट ऑर्डर में क्या करना है, इनको अरेंज करना है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ गया होगा। एक काम करते हैं, पहले स्टेप वन और स्टेप टू को कर लेते हैं, फिर स्टेप थ्री पे आते हैं। यहां है स्टेप थ्री। तो देखो स्टेप वन में क्या करना था, हमारे को एलसीएम लेना था सभी के डिनोमिनेटर्स का। तो हम एलसीएम ले लेते हैं, यहां क्या होगा, एलसीएम ऑफ 5, 10, 14, 35। तो मैं आप लोगों को ये चीज ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब भी एलसीएम निकालना हो तो इसका एक शॉर्ट तरीका है, सबसे बड़े वाले नंबर को पिक कर लो पहले, फिर ये देखो क्या इस सबसे बड़े वाले नंबर में तीनों से डिवाइड हो रहा है क्या, 5 से डिवाइड होता है, 10 से नहीं होता, 14 से नहीं होता, 35 से तो होता है। अब क्या होगा, इसका जो भी एलसीएम आएगा ना वो इसी का मल्टीपल होगा। मल्टीपल का मतलब या तो 35 होगा या फिर 70 होगा या फिर 105 105 होगा। तो ऐसे ही जो भी कोई नंबर होगा वही इन तीनों का क्या होगा, मल्टीपल, मतलब इन तीनों का भी क्या, इन चारों का क्या होगा, एलसीएम होगा। यानी कि इसके जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो 70 हो सकता है, 105 हो सकता है, आगे थोड़ा बढ़ोगे 140 हो जाएगा डैश डैश। तो इन्हीं में से क्या होगा कोई, इन सबका, इन चारों का क्या होने वाला, एलसीएम। तो हम पहले अगले वाले को पिक करके देखते हैं। तो देखो 70 में 5 से डिवाइड होता है, हाँ होता है, 10 से भी डिवाइड होता है, 14 से भी डिवाइड होता है, 35 से भी 2 टाइम डिवाइड होता है। मतलब 70 वो सबसे छोटा नंबर आ गया जो क्या कर सकता है, जिसके अंदर इन चारों से हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो 70 क्या हो गया, इन सबका एलसीएम हो गया। आप चाहो तो प्रॉपर तरीके से भी लेके देख सकते हो, जो आप लोगों ने बचपन में सीख रखा होगा इस तरीके से चारों को लिखकर, ठीक है, तो आप उससे भी लेके देख लेना, उसका भी रिजल्ट क्या आएगा, 70 आएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ कि एलसीएम ऑफ 5, 10, 14, 35 बराबर कितना होगा, 70 होगा। अब हमारा मेजर काम क्या है कि सभी फ्रैक्शंस को क्या करना है, लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है और सभी के डिनोमिनेटर्स को क्या बनाना है, एलसीएम यानी कि 70 के इक्वल बनाना है। तो यानी क्या कहना चाहता है, 2/5 है इसका जो 5 है इसको हमें कितना बनाना है, 70 बनाना है। ऐसे ही 3/10 है, इसके 10 को हमें क्या बनाना है, 70 बनाना है।
इसके अलावा 9 अपॉन 14 है, तो इस 14 को हमें 70 बनाना है। इसके अलावा 16 अपॉन 35 है, तो इस 35 को हमें 70 बनाना है। तो जैसे ही 70 बनेंगे तो तीनों क्या हो जाएंगे, लाइक फ्रैक्शंस बन जाएंगे और सबके डिनोमिनेटर्स देखो एलसीएम के भी इक्वल आ रहे हैं। तो देखो 5 को 70 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 14 से मल्टीप्लाई करोगे तभी क्या होगा, मल्टीप्लाई करने पर 70 बनेगा। अगर डिनोमिनेटर को 14 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो न्यूमिनेटर को भी क्या करना पड़ेगा, 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो वो फ्रैक्शन जो हमने नया बनाया वो इसके इक्विवेलेंट होगा। मतलब हमें फ्रैक्शन को नहीं बदलना, फ्रैक्शन उसी के बराबर आना चाहिए, बस हमें डिनोमिनेटर्स को क्या कर देना है, सबको एलसीएम के बराबर यानी 70 के बराबर बना देना। तो यहां देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 28 आएगा। अब 10 को 70 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 10 7 जा कितना होता है 70 होता है, तो ऊपर भी न्यूमिनेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना बन गया 21 बन जाएगा। 14 को 70 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां भी क्या करना पड़ेगा हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 9545। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी। यहाँ देखो 35 को 70 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 16 को भी 2 से, तो यहाँ हो जाएगा 32। यानी कि अब हमारे पास जो फ्रैक्शंस बन चुके हैं वो एक्चुअल में कितने बन चुके हैं, 28 अपॉन 70, 21 अपॉन 70, 45 अपॉन 70 और 32 अपॉन 70। अब हम एक टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब डिनोमिनेटर्स इक्वल होते हैं तो हमें न्यूमिनेटर्स को कंपेयर करना होता है, और जिसका न्यूमिनेटर सबसे बड़ा वो वाला फ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। तो मैं अब इन सबको यहां लिख रहा हूं, तो देखो तो यहां क्या था, ये 28, यहां ये ध्यान रखना ये इस वाले का पार्ट है 28, इन सभी फ्रैक्शंस को अब यहां लिख देता हूं 28 अपॉन 70, 21 अपॉन 70, 45 अपॉन 70 और 32 अपॉन 70। अब यहां क्या है, सबके डिनोमिनेटर्स इक्वल है तो न्यूमिनेटर्स को कंपेयर करेंगे, तो न्यूमिनेटर्स में देखो हमें क्या कौन से ऑर्डर में अरेंज करना था, असेंडिंग में, मतलब सबसे छोटे वाले को सबसे पहले लिखेंगे, तो सबसे छोटा न्यूमिनेटर ये है, देन ये फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा, यानी कि 21 अपॉन 70 सबसे छोटा होगा, फिर उससे ग्रेटर क्या होगा 28 अपॉन 70, फिर उससे ग्रेटर क्या होगा 32 अपॉन 70, फिर उससे ग्रेटर क्या होगा 45 अपॉन 70। लेकिन हमें इसको यही नहीं छोड़ना है, हमारा ओरिजिनल जो क्वेश्चन था वो ये था, हमने फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करके ये बनाया था, तो हमें इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो देखो 21 अपॉन 70 एक्चुअल में किसका रिजल्ट था, 3 अपॉन 10 का, यानी 3 अपॉन 10 सबसे छोटा होगा। फिर 28 अपॉन 70 सेकंड नंबर पे आ रहा, तो वो किसका वो था, मतलब किसके इक्विवेलेंट था 2 अपॉन 5 के। फिर 32 अपॉन 70 को किसके इक्विवेलेंट था 16 अपॉन 35, और उसके बाद में 45 अपॉन 70 वो किसके इक्विवेलेंट था, ये है 9, तो 9 अपॉन 14। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा वो ये हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी, इसे वीडियो को पॉज कीजिए, अच्छे से समझ कर इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसके ऊपर दो क्वेश्चंस भी करके देख लेते हैं। अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद में ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, आप इनको सोल्व कीजिए, इनका रिजल्ट निकालिए। आज के लेक्चर में जो भी पढ़ा है हमने उस टॉपिक को हमने यहाँ पे तीन क्वेश्चंस के फॉर्म में लिख दिया है, तो आप क्या करो इनको सोल्व कीजिए, इनका रिजल्ट निकालिए। जो भी आप लोगों का रिजल्ट आता है वो आप कमेंट करके बताइए कि पहले का क्या आंसर आता है, दूसरे का क्या आंसर निकल के आता है, तीसरे का क्या आंसर निकल के आता है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क होगा, लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि भाई अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखो अभी हमने एक क्वेश्चन क्या किया, किसका किया था, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का, तो सेम वैसा ही क्वेश्चन एक है, लेकिन इसको किसमें अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे को जो ग्रेटेस्ट है उसको सबसे पहले लिखना है, तो ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट इस फॉर्म में क्या करना है हमें कन्वर्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले स्टेप हमारे को क्या फॉलो करनी है, स्टेप वन के अंदर सबका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम का मैंने तरीका आप लोगों को बता दिया है कि ये 15 सबसे बड़ा नंबर है, तो पहले 15 को पिक करो, 15 में 5 से डिवाइड होता है, 15 से होता है लेकिन 10 से और 6 से नहीं होता, तो 15 का कोई मल्टीपल सोचो, मल्टीपल का मतलब होता है 15 की कोई भी टेबल में आगे वाला नंबर, तो 15 के बाद में 30 आएगा, 30 को देखो क्या 30 में 10 से डिवाइड होता है, हाँ होता है, 15 से भी होता है, होता है 6 से भी होता है, 5 से भी होता है, तो 30 क्या आ जाएगा इनका एलसीएम हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूं कि एलसीएम ऑफ
10, 15, 6, 5 = 30। अब हमें क्या करना है, पहली स्टेप कंप्लीट हो गई है। दूसरी स्टेप में हमें क्या करना होता था कि सभी को लाइक फ्रैक्शंस बनाना होता था और सबके डिनोमिनेटर्स को इस एलसीएम यानी 30 के इक्वल करना होगा। तो देखो क्या होगा, यहां हमें इसको 10 को 30 बनाना है, तो 10 को 30 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो न्यूमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऐसे 7/15, तो 7 को 15 को 30 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो न्यूमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर बन गया 14। फिर आगे बात करें हम 11/6 की, तो 6 को 30 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो न्यूमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 11/5 = 55। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी। 1/5, तो यहाँ 5 को 30 बनाना है, तो 30 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 को भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, 6/30। आई होप आप लोगों को ये स्टेप सेकंड समझ में आ गई होगी। और जब एक बार ये स्टेप सेकंड हो जाती है, उसके बाद में हमें क्या करना होता है, न्यूमिनेटर्स को कंपेयर करेंगे, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर्स तो क्या है, इक्वल है। तो देखो न्यूमिनेटर्स को कंपेयर करके हमें क्या, किस ऑर्डर में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ग्रेटेस्ट को सबसे पहले, तो जिसका न्यूमिनेटर सबसे बड़ा वो वाला फ्रैक्शन सबसे बड़ा, तो हम बोलेंगे 55/30 ये सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। फिर उससे छोटा कौन सा होगा, ये होगा 14/30। फिर उससे छोटा क्या होगा, 9/30। फिर उससे छोटा क्या होगा, 6/30। तो ये बन गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर वाला अरेंजमेंट। लेकिन हमारे को इस आंसर को अभी तक यही ऐसे ही नहीं लिखना है। एक्चुअल में क्या है, हमारे जो फ्रैक्शन थे वो ये नहीं थे, हमारे पास जो फ्रैक्शन थे वो ये थे, अबे इस फॉर्म में लिखना है। तो ये जो 55/30 है वो एक्चुअल में कितना था, 11/6, ये सबसे बड़ा होगा। फिर 14/30 ये कितना है, 7/15, ये उससे छोटा होगा। फिर 9/30 वो कितना है, सॉरी हाँ 9/30 है वो कितना होगा, किसके बराबर होगा, 3/10 के। और उसके बाद में सबसे छोटा कौन सा है, 6/30, जो किसके बराबर है, 1/5 के। तो ये क्या होगा, हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। इसे भी आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए और होमवर्क के क्वेश्चंस को भी अच्छे से नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सभी लेक्चर्स के आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे। और एक रिक्वेस्ट और है कि अगर अभी तक आप लोगों ने इससे पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो पहले इससे पहले के लेक्चर्स को जाके देखिए, जिससे कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद में इस लेक्चर को देखना स्टार्ट कीजिए। तो तब तक के लिए थैंक यू।